शालीन भनोट के साथ काम करने को लेकर क्या बोली है सबकी प्यारी इमली यानी के सुंबल तौकीर खान। बिग बॉस 16 के बाद क्या साथ में काम करते हुए नजर आएंगे शालीन और सुंबल। अभी बिग बॉस के घर में हम सभी ने देख लिया था कि शालीन और सुंबल की कितनी जमी थी। हाँ, स्टार्टिंग में दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन लास्ट तक आते आते चीजें इतनी खराब हो गई थी कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं था। लेकिन अब हेडलाइन सुनने में आ रही है कि सुंबल और शालीन साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों ही मैच्योर आर्टिस्ट हैं और फैंस दोनों को बेहद पसंद करते हैं, तो दोनों इस सिचुएशन को यानी के पोस्ट बिग बॉस सीजन 16 वाली सिचुएशन को काफी मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं। बिग बॉस के घर से निकलते ही दोनों की जो इक्वेशंस थी, जो खराब हो रखी थी, वो अब ठीक हो गई है। टाइम चेंज हो गया है और चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। वेल, हाल ही में हेडलाइंस आई थी कि शालीन भनोट ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है सुंबल के साथ काम करने के लिए। शालीन का दिल है सुंबल के साथ काम करने का। एक इंटरव्यू के दौरान शालीन ने कहा कि एक शो में सुंबल और शालीन एक अच्छी जबरदस्त कास्ट फॉर्म करेंगे, लेकिन ये शो डांस शो हो। शालीन के अकॉर्डिंग एक डांस फिक्शन शो में शालीन और सुंबल मिलकर आग लगा सकते हैं। लेकिन अब शालीन की इस इच्छा पर रिएक्ट करते हुए सुंबल तौकीर खान ने अपना रिएक्शन दिया है। सुंबल ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है। सुंबल आगे कहती हैं, अब मुझे सोचने में टाइम लगेगा कि आंसर क्या देना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं बोलना। जब बिग बॉस चल रहा था तो सुंबल तौकीर खान की ऑन एंड ऑफ वाली फ्रेंडशिप हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी। सुंबल ने कहा था कि शालीन का जो भी बिहेवियर उनके प्रति हो चुका है, उसकी वजह से वो काफी हर्ट भी हैं और चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं। वेल, वर्क फ्रंट की बात करें तो सुंबल तौकीर खान फिलहाल एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में नजर आ रही हैं, तो वहीं शालीन भनोट फिलहाल अपने शो में काफी अच्छे से मशगूल हैं। शालीन भनोट फिलहाल शो कर रहे हैं जिसका नाम है बेकाबू। लेकिन भाई, बिग बॉस में जितनी लड़ाइयां हुई हैं सुंबल और शालीन की, क्या उसके बाद अब आप दोनों को साथ में स्क्रीन पर देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।